हेलो नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी जो कोरोना वायरस से लेकर अपडेट है, जो डीआरडीओ ने 2DG जो दवाई बनाई थी उसके इस्तेमाल को लेकर उन्होंने एक तरह से एक निर्देश जारी किया है। हालांकि जून से, आज से मार्केट में ये उपलब्ध था और वैसे पेशेंट को देना था जिनकी हालात जो है वो काफ़ी गंभीर है, जो आईसीयू में है और उनकी अगर जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम है उन लोगों के लिए ये दवा बनाई गई थी। उसके संबंध में आज एक एडवाइजरी जारी किया गया है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के तौर से कि क्या अस्पतालों को इन बातों का ख्याल रखना है कि किन किन को ये दवाई देनी है और किन किन को नहीं देनी है। इसके संबंध में उन्होंने कहा है डीआरडीओ ने कि 2DG जो दवा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 18 साल से कम वाले व्यक्ति को नहीं देना है। उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये दवा डॉक्टर की बिना पर्ची की निर्देश के आधार पर ही दी जा सकती है। शुरुआत में 2DG जो दवा मॉडरेट से सीवियर जो गंभीर मरीजों को जल्द से जल्द दी जाए और अधिकतम 10 दिनों के लिए ये दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। ये दवा डायबिटीज़, जिसको शुगर है, सीवर कार्डियक है, प्रॉब्लम है, ARDS है या कोई और भी गंभीर बीमारी है, वैसे व्यक्तियों को नहीं देना है। हालांकि उससे व्यक्तियों पर उन्होंने कहा कि अभी अनुसंधान नहीं हुआ है कि उसको देने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, इसलिए वैसे लोगों को देने में अभी सावधानी बरतनी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को देने के बाद क्या उन पर असर होगा, इसका अध्ययन नहीं हुआ है। साथ ही कहा है कि 2DG दवा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए नहीं करना है। बकायदा डीआरडीओ ने ट्वीट करके हर अस्पतालों को इसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि सबको जानकारी है कि ये दवा मरीजों को उन हालात में देना है जिसको जब उसकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर हो जाए और ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो, तब उनको इस दवा का इस्तेमाल करना है। और इसको डीआरडीओ और इन मास लैब ने मिलकर बनाया है। इसके इस्तेमाल के लिए मरीजों को ऑक्सीजन पर निर्भरता नहीं होती अगर इस दवा को देने के बाद, तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हर हालात में किसी को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है और जब भी इस दवा का आप इस्तेमाल करें आप डॉक्टर की निगरानी में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी साइड इफ़ेक्ट क्या होगा इस पर उन्होंने क्लियर किया है कि अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि ये ज़रूर कुछ पेशेंट पर दिया गया है तो उनकी हालात जो है वो काफ़ी सुधार आ गई है, उनके ऑक्सीजन लेवल में काफ़ी सुधार आई है। तो ये अभी लेटेस्ट जानकारी थी डीआरडीओ के तरफ से, हमने आपके साथ साझा किया। आप भी सुशील संवाद की इस अपडेट को लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।